8 नवंबर 2019 को जो आज का तेलंगाना भवन है और पहले का आंध्र भवन, एक अशोक रोड नई दिल्ली एक पर एक मीटिंग आयोजित की गई। ये मीटिंग अपने आप में बड़ी ही खास मीटिंग रही, क्योंकि इसमें दो पक्ष थे, जैसा कि सभी मीटिंग में होता है, मगर एक पक्ष इसमें आम आदमी का, जो साधारण लोग थे, जो समण समाज है, जो समाज था उसका था, और दूसरा पक्ष था जो समाज का कार्य करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं, समाज के संगठन बनाते हैं और समाज के संगठन चलाते हैं उनका। जो समण समाज था उसने इन सभी संगठन चलाने वाले लोगों को आमंत्रित किया और उनसे ये कहा कि आपने जो 6,743 जातियों को इकट्ठा करने का और उन जातियों को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का जो काम लिया, उस काम को करने के लिए आपने दसियों हजार संगठन बना लिए और अब 6,743 जातियों के साथ साथ ये दसियों हजार संगठन और भी ज्यादा हमें नुकसान दे रहे हैं, इसलिए आप 14 अप्रैल 2020 तक इन सभी संगठनों को एक कर एक केंद्रीयकृत प्रणाली बनाइए, जिससे कि हम सभी अपना समय, अपना पैसा, या जब भी आप बुलाएं तो एक कॉल पर बुलाएं, अलग अलग ना आए, ताकि आपकी बात का असर रहे, लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो और कुछ फ़ायदा हो, और जो पहले से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें फ़ायदे दिए हैं वो फ़ायदे हमारे बचे रहें और आगे बढ़ें, जिससे भारत आगे बढ़े। कार्यसूची और एजेंडा जो था वो इस प्रकार था, जो सभी को वहाँ मीटिंग में दिया गया। सबसे पहले आते ही वो कार्यसूची यानी एजेंडा सिर्फ 3 लाइन का था, समण सामाजिक समाज की 6,743 जातियों को जोड़ते जोड़ते आप खुद दसियों हजार संगठन बना बैठे, 14 अप्रैल 2020 तक इन दसियों हजार संगठनों को एक समण सामाजिक केंद्रीय कृत प्रणाली में बदलना है, गणतंत्र आधारित, व्यक्ति आधारित नहीं, समण समाज, 8 नवंबर 2019। इतना सा एजेंडा था, इतनी सी कार्यसूची थी, उस पर सभी जितने भी गेस्ट वहाँ बुलाए गए थे, जो नेता थे, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के थे, चाहे वो धार्मिक थे, चाहे वो राजनीतिक थे, चाहे वो सामाजिक थे, सभी तरह के नेता जो आ सके, जो उपलब्ध हो सके, उन्होंने इस पे अपने विचार रखे, जो आपको समय समय पर टीम 22 की वीडियोस पर मिल जाएंगे। वहाँ अगर आप जाएंगे तो वी द पीपल में, यानी हम भारत के लोग के टाइटल के तहत में आपको सारी जानकारी मिलेगी। उस मीटिंग में जो 3 पेपर दिए गए उसमें कुछ बातें पहले से ही बताई गई, जो इस प्रकार हैं। सभी जितने भी गेस्ट थे उनसे निवेदन रिक्वेस्ट की गई, उनको ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, ये पेपर उनको दिए गए, ये पेपर 3 पेपर, 3.5 पेपर, 4 पेपर उनको दिए गए। इन पेपर के अनुसार सभा में आने का आपको धन्यवाद, यह आपातकाल है, यह सभा समण समाज के कुछ आम लोगों ने बुलाई है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, यानी आप और हम। इस सभा में 2 पक्ष हैं, गेस्ट मेहमान और होस्ट मेजबान, पर समाज एक ही है और समस्या एक ही है। यह सभा सिर्फ दिए गए एजेंडे कार्यसूची पर ही क्रियान्वित रहेगी, जो कि एजेंडा पहले ही दिया गया। आप विद्वान हैं और विद्वानों को ध्यान से सुनकर अपनी विद्वत्ता बढ़ाएं। सभा सदन में सभी सम्मानित व समान हैं। देर से आए सदस्य कृपया टी टाइम या लंच टाइम में बीती हुई सदन की कार्यवाही की जानकारी लें। मोबाइल शांत मोड, साइलेंस मोड पर रखें। जरूरी हो तो सदन से बाहर जाकर वार्तालाप करें। भाषण, वक्तव्य के दौरान टोका टाकी, टिप्पणी, व्यवधान न करें। सवाल जवाब सबसे आखिर में होगा। अपना प्रश्न पर्ची कागज पर लिखकर रख लें। यहाँ जो समण था, समण का मतलब यहाँ बताया गया था सभी को,
समण का मतलब है समता, समानता, शांति, मेहनत का सच्चे संत भारत के लोग। और वमण का मतलब होता है समण का उल्टा। वमण को वैसे भी उल्टी बोलते हैं, वम आ गया है, उल्टी आ गई है, तो वमण का माने इसके उल्टे। यही दो शब्द पाली के अंदर प्रमुख शब्द रहे आज तक। आगे रिक्वेस्ट नंबर दो में है, आज व्यक्तिगत चर्चा, संस्थागत चर्चा, निजी अनुभव चर्चा, निंदा पर निंदा, गत समय सामायिक चर्चा का दिन नहीं है। आज राष्ट्रीय चर्चा का दिन है और विषय पहले से ही निर्धारित है जो कार्यसूची एजेंडा में दिया गया है। सभा द्वारा निर्धारित समय आपका है, इसके अंतर्गत आपको अपने परिचय के साथ कार्यसूची एजेंडा पर अपने विचार रखने हैं। समय निश्चित है, निर्धारित समय के अंतर्गत अपनी बात प्रभावशाली व समण समाज हित के लिए राष्ट्रीय स्तर की रखेंगे, ऐसी अपेक्षा है। हम समण समाज हैं, इस आयोजन में आप या हम अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, अतः सभा को परिणाम तक पहुंचाएं जिससे समण समाज की ऊर्जा बचे। सभा में आपको हुई किसी भी तकलीफ परेशानी के लिए होस्ट मेजबान पक्ष माफी मांगता है, आपके सहयोग का धन्यवाद। वहाँ दो कागज सबको दिए गए, एक पीला एक सफ़ेद। जो पीला कागज था उसमें जो गेस्ट थे उनसे निवेदन किया गया कि आप अपनी पूरी जानकारी इसमें रखें, और सफ़ेद कागज में जो होस्ट थे उन्होंने अपनी जानकारी दी। कुछ सामान्य प्रश्न जो इनवाइट करते समय, क्योंकि काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया था पूरे देश में, तो कुछ प्रश्न आए उनके जवाब दिए गए, इसलिए सामान्य प्रश्नों के जवाब सवाल पहले ही लिख के उनको दिए गए। पहला प्रश्न था, वी द पीपल, हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइजर कौन हैं, क्या हैं? तो इसके जवाब यह था, हम समाज हैं, हम संगठनात्मक इकाई नहीं है। यानी कि वी द पीपल हम लोग समाज हैं, संगठन नहीं है, मगर हम हर संगठन का हिस्सा है जो आपने बनाए हैं। और उन सभी को जो पूरे देश में संगठन बनाते हैं उनको ये बात बताई कि हम हर संगठन का हिस्सा हैं जो आप बनाते हैं, क्योंकि हम समाज हैं, तन से धन से मन से हम उसका हिस्सा हैं और उसका पार्ट हैं। सभी संगठनात्मक इकाई हमारी बात क्यों माने? ये सवाल बहुत जगह आया, लोगों ने कहा कि वी द पीपल करके आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो संगठन के लोग आपकी बात क्यों माने? इसका जवाब इस प्रकार दिया गया, यह आपातकाल है और इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि संगठित होने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। जब समाज हित में आप काम कर रहे हैं तो समाज का हित होना चाहिए, अभी तो आपके अलग अलग कार्य करने से अहित हो रहा है। यानी कि यह आपातकाल है और आपने समाज को हित में, समाज का लाभ करने के लिए, समाज को फायदा पहुंचाने के लिए आपने जिम्मेदारी ली है, तो समाज का फायदा होना चाहिए। आपके अलग अलग काम करने से समाज का, हमारा और आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। संविधान में आज़ादी है अलग अलग संगठन बनाने की। एक सज्जन ने ये कहा था कि संविधान में आज़ादी है अलग अलग संगठन बनाने की, तो फिर हम क्यों ना अलग अलग संगठन बनाएं? इसका जवाब इस प्रकार दिया गया, उसी संविधान निर्माता का गणतंत्र का आदेश है, उद्देश्य पूर्ति के लिए। आप निजी लाभ के लिए समाज का अहित नहीं कर सकते, आपके अलग अलग रहने से समाज का हित नहीं होता। एक प्रश्न ये आया था, हमें आपकी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। यानी वी द पीपल जो लोग हैं जो मध्यस्थता कर रहे हैं और सब लोगों से कह रहे हैं, तो एक संगठन के हेड ने कहा कि हमें आपकी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो आपको मीडियर बने हैं, जो आप माध्यम बने हैं सबको इकट्ठा करने के, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि हम मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आप सभी को कहते हैं और पाठ पढ़ाते हैं कि सब इकट्ठे हो जाइए, सब इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे होने में शक्ति है, मगर ये पाठ आप खुद नहीं पढ़ते, ये बात आप खुद पे लागू नहीं करते, आप खुद और लोगों को इकट्ठा नहीं करते, आप संगठनात्मक इकाई हैं, अगर सारे संगठन इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, इसलिए हम आपकी बात क्यों माने इकट्ठा होने की जब आप खुद इकट्ठे नहीं होते। एक प्रश्न आया था, पर व्यक्ति की लीडरशिप अनिवार्य है,
यानी कि वो कह रहे हैं कि गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति प्रधान लीडरशिप होनी चाहिए, पर्सनैलिटी जो हो वो एक होनी चाहिए और वही लीडर होना चाहिए। इसका जवाब ये था, संगठन प्रधान गण प्रधान लीडरशिप अनिवार्य है, चिरस्थायी है, ना बिकने वाली है ना मरने वाली है, गण नायक लीडरशिप ही सबसे आगे है। यानी लीडरशिप तो हो मगर उसको एक सभा, एक परिषद, एक गण जैसा कि संविधान में दिया गया है और जैसा कि पहली हमारी व्यवस्था रही है उसके अनुसार सब लोग मिलकर उसके चुने जैसे संविधान में चुनते हैं, वो चिरस्थायी होती है, वो डिक्टेटरशिप में नहीं बदलती है, उससे ज़्यादा फायदा होता है और वो हमेशा स्टेबल रहती है और वो अच्छा काम करेगी, ये गारंटी होती है। पर संगठन तो कभी इकट्ठे नहीं होंगे, एक लीडर ने कहा कि पर संगठन तो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। उसका जवाब इस प्रकार दिया गया, जो इकट्ठा नहीं होंगे वे संगठन ही नहीं है, वह व्यक्तियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो अपने को बाजार में सजाकर बैठे हैं ताकि कोई खरीदार अपने रहमो करम की नज़र उन पर डाल दे और चंद टुकड़े उन्हें मिल जाएं। एक प्रश्न आया, सभी संगठनों को काम करने दो, जो ज़्यादा ताकतवर होगा आगे बढ़ जाएगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि सब अपना अपना संगठन पर काम करें और जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा वो निकल जाएगा। तो उसका जवाब इस प्रकार दिया गया, यह आपातकाल है, यह इमरजेंसी है, आपकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अपनों से नहीं है, आपस में अलग अलग संगठन बनाकर आप संगठन बनाते ही हार जाते हैं। यानी कि ये आपातकाल है, इमरजेंसी है, यहाँ जो आपका कंपटीशन है वो अपनों से नहीं है और जैसे ही आप अलग अलग संगठन बनाते हैं आप तुरंत हार जाते हैं, सामने वाले को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो सामने जिससे आप कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं उसे फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ही हजारों संगठनों में टूटे हुए पड़े हैं। जब आप शासक बन जाएं तब आपस में लड़ना, तब तक समाज को आपस में लड़ने कटने बटने छटने की आज़ादी नहीं दे सकता। यानी कि आप जब कुछ बन जाएं, शासक बन जाएं, सत्ता पालें, तब आपस में लड़ लेना, मर लेना, कट लेना, छट लेना, मगर अभी समाज आपको आपस में लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। इससे समाज का बहुत भारी नुकसान होता है क्योंकि समाज ही आपको पैसा देता है, समाज ही आपके पीछे खड़ा होता है, समाज ही अपना समय देता है और समाज का ही नुकसान आप कर रहे हैं। एक प्रश्न आया था, क्या यह कार्य सफल होगा? इसका जवाब है कि अगर सब अपना हित चाहते हैं, सब अपना सुख चाहते हैं, सब अपना विकास चाहते हैं तो आपको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। ये पहली बार है कि समाज आपको दिशा निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, आपको बता रहा है कि आपको इकट्ठा होना है। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आपकी सारी भी जो तादाद है वो 15% है। 15% लोग इकट्ठे होके संविधान के अनुसार कोई भी ताकत नहीं बन सकते, किसी ताकत का हिस्सा भी तब बनेंगे जब 15% इकट्ठे हो जाएंगे, तब अपना हित कर सकते हैं। तो आप 15% में दसियों हजार बटे हुए हैं तो आप तो एक 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 परसेंट भी नहीं आ रहे हैं। आप देखें कि स्थिति कहां पर है, कहानी है, इसलिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है और ये आपको करना ही होगा। जैसा कि वहां आदेश है, निर्देश है या डायरेक्शन है समाज की कि आपको 14 अप्रैल तक सबको इकट्ठा होना, ऐसा पूरे समाज की इच्छा है, पूरे समाज के लोग चाहते हैं। आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे नेता हैं, नेता ही रहेंगे, लीडर ही रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़े लीडर बन जाएंगे, हो सकता है कि बाबा साहब जैसे बन जाएं, अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो आपकी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। आप जो ख्वाब सजा के बैठे हैं दूर दूर तक वो पूरे होने की बात छोड़िए, कुछ समय बाद लोग आपको इसके लिए दोषी ठहराएंगे। आप अच्छे नाम के लिए काम कर रहे हैं, आपका नाम अच्छे की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये उद्देश्य के साथ में वहाँ मीटिंग आरंभ हुई और मीटिंग आरंभ होने के बाद में जो एजेंडा पास हुआ वो एजेंडा इस प्रकार रहा। आपातकाल समण सामाजिक परिपत्र नंबर 1। प्रिय समण सामाजिक संगठनों, जैसे समण धम्म संगठनों, समण संत महापुरुषों पर आधारित संगठनों,
समर सामाजिक कूटनीतिक राजनीतिक संगठनों, समर बुद्धिजीवी संगठनों, समर कर्मचारी संगठनों व अन्य प्रकार के समस्त समर संगठनों। हम लोग जो समर समाज हैं, आपको अपना नेता नायक मानते हुए, जानते हुए आपके द्वारा दी गई समस्त प्रकार की सेवाओं का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आपने समर समाज की 6,743 जातियों उपजातियों को संगठित करने के लिए दसियों हजार संगठनों का निर्माण किया। हमको संगठित करते करते आप स्वयं 10,000 से भी ज़्यादा टुकड़ों में बट गए। जो नुकसान देश को 6,743 जातियों से हो रहा था, वह अब 10,000 से भी ज़्यादा टुकड़ों में बटने से और ज़्यादा होने लगा। एक शब्द में कहें तो आपने 10,000 से भी ज़्यादा और जातियों का निर्माण कर दिया। अतः देश हित में, समर समाज हित में यह परिपत्र हम समर समाज के द्वारा जारी किया जाता है कि आप सभी समर सामाजिक संगठन तुरंत प्रभाव से 14 अप्रैल 2020 तक एक केंद्रीयकृत समर सामाजिक संगठन कार्य प्रणाली का निर्माण करें, जिसके अंतर्गत सभी समर सामाजिक कार्य एक ही केंद्र से संचालित हों। एक विचार, एक समाधान, एक आय और व्यय खर्चा, एक आंदोलन संरचना, एक धम्म संघ संत महापुरुष, एक नियम उपनियम संहिता, हजारों शाखाएं एक संगठन की, लाखों उपशाखाएं एक संगठन की, करोड़ों पदाधिकारी एक संगठन के अंतर्गत व सभी संविधान के गणतंत्र पर आधारित। क्योंकि व्यक्ति प्रधान व्यवस्था वमण सामाजिक है और गण प्रधान व्यवस्था समण सामाजिक है प्राचीन काल से, अतः गण प्रधान व्यवस्था ही समण समाज को मान्य थी, मान्य है और मान्य होगी। आप हमें उपरोक्त गण पर आधारित एक केंद्रीयकृत समण कार्य प्रणाली की व्यवस्था दे पाएंगे, ऐसी हमें आशा व पूर्ण विश्वास है। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप एक केंद्रीयकृत समण कार्य प्रणाली देने में असफल रहे, तब समण समाज के करोड़ों कामयाब, योग्य, काबिल, हुनरमंद व समझदार युवक युवतियों को मौका दें। 14 अप्रैल 2020 को यह समर समाज आपके द्वारा स्थापित केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली का स्वागत अभिनंदन करेगा। वह आपके द्वारा यदि प्रयास असफल होता है, तब उसी दिन संसद मार्ग नई दिल्ली भारत से अगला परिपत्र जारी करेगा। समस्त समर समाज की मंगल कामनाओं सहित 8 नवंबर 2019 आंध्र भवन अशोक रोड नई दिल्ली भारत। और इस परिपत्र पर जो वहाँ लोग आए थे, उन लोगों ने इसमें सिग्नेचर किया, साइन किया, यानी वो इस बात को मानते हैं। ये बहुत बेहद ज़रूरी एक दस्तावेज है और ये एक बेहद ज़रूरी बात है, क्योंकि हम 70 साल में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया था, उसे बढ़ाने की तो बात दूर, हम उसको बचा भी नहीं पाए। और जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो इसके लिए दोषी सिद्ध होंगे, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो समर समाज को आगे बढ़ाएंगे, उसको बचाएंगे और उसकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे, जिसमें वो नाकामयाब रहे। और नाकामयाब रहने का सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि उन्होंने सबने अलग अलग काम किया, दुनिया को कहते रहे कि संगठित हो जाइए, संगठित हो जाइए, मगर उनमें इतनी समझ नहीं आई कि वो आपस में संगठित हो जाएं, जबकि पूरे समर समाज ने उनको हमेशा पैसा दिया उनके कार्यक्रम के लिए, उनके कार्यक्रम में आके पीछे खड़े रहे, उनके बैनर उठाए, उनके झंडे उठाए, उनकी दरियां बिछाई, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट किया, उनके आने जाने की व्यवस्था की, उनके भाषण सुने, उनकी बात को आगे बढ़ाया, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। और समर समाज को बदले में कुछ ना मिलने की बजाय और जो उसके पास था वो भी जाता रहा। एक समय अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब ये सभी समर समाज के जो नेता, जिन्होंने इस बात के लिए जिम्मेदारी ली थी, लोग उन पे दोष आरोपित करेंगे और वो दोषी सिद्ध किए जाएंगे। इसलिए 14 अप्रैल 2020 तक सभी समर समाज को इकट्ठा होना ही होगा, सभी समर समाज के नेताओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। धन्यवाद।
मैं नवाब लगभग 35 वर्ष चुने गए। आप एक आम आदमी की रूप का आरबीसी प्रेम क्या बोलने वासी उसका जब भी नमो बुद्ध है आरे आवाज उनके पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम विनोद निगम है। मेरा नाम कार्यरत रक्षा मंत्रालय हूँ। दी गई समस्त प्रकार की सेवाओं का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आपने समस्त प्रोफेसर धर्मपाल पीहर है, मैं हैदराबाद से आया हूँ और वहाँ पर हैदराबाद की बहुत ही प्रसिद्ध जो यूनिवर्सिटी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसमें हिंदी भाग में अध्यक्ष रहा हूँ और वहाँ तीन पद से मैं वहाँ सेवानिवृत्त हुआ। 2013 में मैं सेवानिवृत्त था और मेरे जो जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से ही अम्बेडकर वो बुद्धिज्म का प्रसार प्रसार करना था। इतना तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम एन के गोलकर है। वैसे मैं रहने वाला नागपुर का हूँ। मैं सेवन के थ्री से कांचन जी साथ में जुड़ा हूँ। 79 से मध्य प्रदेश पार्षद का इंचार्ज रहा हूँ 2001 तक। उसके बाद में मैं लोकल समाज पार्टी का महासचिव रहा हूँ मध्य प्रदेश में। उसके बाद में 2016 से दो जन म्यूचुअल फंड हमने बनाया है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मैं एनटी भोलपड़े, मैं पुणे से हूँ महाराष्ट्र और 1980 से पंक्ति का कार्य कर रहा हूँ जो कंश्राम साहब के विचारों पर चल रहा है और आज तक वही काम कर रहा हूँ। उन पर ही मेरा पूरा विश्वास है। किसी और संगठन का निर्माण भी नहीं किया हूँ कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं मेरा योगदान समझता हूँ। ये मेरा आपको परिचय भी है। मैं भिक्खू डॉक्टर करुणा सिंह राहुल 14 साल से भिक्खू के रूप में काम कर रहा हूं। उससे पहले मैं हरियाणा सरकार में वेटरनरी सर्जन था और केवल एक ही काम है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। हरियाणा से संबंध रखता। मेरा नाम संदीप केशकर है। मैं टीएनपी जनरल मैनेजर हूं और पैगाम संस्था का एक कार्यकर्ता हूँ। पैगाम का काम मैंने दिल्ली में पिछले 3-4 महीने शुरू किया था। मेरा ट्रांसफर दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली हुआ। तो 10 दिसंबर 1916 को पहला प्रोग्राम किया था हमने गांधी जी फाउंडेशन में और धीरे धीरे ये काम बढ़ते बढ़ते पिछले साल तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम किया था हमने। इस साल भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली राज्य अधिवेशन रखा है 25 दिसंबर को। तो मैं इस मोमेंट में ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, अभी नया नया मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से। पिछले साल 3-4 साल से ही एक्टिवली काम कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस मोमेंट के बारे में और आप लोगों का मार्गदर्शन और मिलेगा तो शायद इस काम को अच्छे से हम कर सकते। सबको जय भीम नव बुद्धा है। मेरा नाम संदीप है। मैं दिल्ली सुधारण में मोतीलाल नेहरू को और जैसा कि बोर्ड की तरफ से एक सवाल आ रहा है कि उनकी बेचैनी है, तो मेरा मानना है कि बेचैनी दोनों तरफ से वही शुरुआत हो रही है तो इसका वेलकम हमें करना चाहिए। आज जो आयोजक मंडल ने जो नया सिलसिला किया है कि वार्तालाप का, जैसा पर्चे में आपने लिखा एक शब्द आपातकाल, ये आपातकाल तो बहुत पहले से है सर। अब जब जाकर तब सवेर है, आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए आपको मैं सुलह करना चाहूँगा। एक संगठन है दिल्ली में भारतीय समाज निर्माण समिति, उसकी यहाँ पर मैं बात करने के लिए आया और उसका ये है कि मेरा एक उम्मीद भी है कि जैसे मैंने समय बताया 3:30 बजे हम हाल छोड़ देंगे, 5 बजे 5 बजे तक पहले हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला तय कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सभी साथियों को उन्होंने बताया जय भीम। मैं आपसी बहुत व्यसन से 2017 में अकाउंट बाकी सबके पास जब मैं सेवा में था तो लखनऊ
लगभग 7 साल तक मानव भगवान से राम साहब से बात करते हैं। मुझे मंडल लेवल और प्रदेश लेवल पर भी मौका मिला और रिटायरमेंट के बाद मैं विश्व बौद्ध महासंघ का शेष बात सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। औपचारिक रूप से किसी भी संगठन का अभी तक सदस्य नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत विचारधारा के लिए अपने आप को जहाँ समझता हूँ और माननीय काशी राम साहब को अपना सभी साथियों को जय भीम। एक्चुअली मेरा नाम जो है पिताजी का दिया हुआ शिवशंकर सिंह था, उससे मैं आता हूँ। महाराष्ट्र में नौकरी करने गया तो शिवशंकर रामकमल सिंह हो गया, तो यह सार सिंह रहा। अभी इंडियन वो जनवरी 15 से मैं अपने को शुद्ध शिवशंकर सिंह यादव एक परिस्थितियों के अनुसार नाम हमारा चेंज हो गया है। मैं 82 में ही एक नाटकीय घटना से हो सकता है कि मैं पहला यादव था जो भम से इंडिया हो गई। उसके बाद जब तक वो जिंदा थे तब तक मैं लगन से काम किया, कुछ दिनों के बाद जो है छाधारा के काम जो आए। हमारी कुछ कमियां थी, हमारी कुछ जो भी कहिए उससे दूरियां होगी, लेकिन बराबर कोशिश करता रहा कि समाजवादी और बहुजन एक साथ जुड़ते रहे, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। उसमें मैं एक किताब 89 में बहुजन चेतना किताब लिखा, जब काम किया और मुलायम की गवर्नमेंट बनी थी तो बहुजन चेतना बड़ी फेमस बुक थी। इसके बाद मैंने 15 में जो है दोनों को कंबाइन करने के लिए स्पेशली बुक लिखा माननीय चेतना। सबको क्रांतिकारी विजय भीम। मेरा नाम फिलिप क्रिस्टी है और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, जो पूरे देश में इस वक्त काम कर रहा है। और हमारा एक बहुजन यूथ ब्रिगेड है जो पिछले 2 साल से हम लोग चला रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय साथी। मेरा नाम संदीप कुमार वाल्मीकि है, वाल्मीकि कुछ लोगों पैसे से वकील था पहले, फिर एक्सीडेंटल एमएलए हैरानगी थी हमारे के लिए। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगा उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा अभी। और मैं आप सबसे छोटा हूं और आप सबको फॉलो भी करता हूं, नया नया पेड़ करवाते हूँ, ज्यादा दिन हुए 3-4 साल में सीख रहे हैं, लेकिन एक हार्ड लाइन पे रहेंगे, इसी लाइन पे चाहे कुछ हो जाए। प्राण जा सकते हैं लेकिन हम पेड़ करवा हमारे अंदर से नहीं जा सकते। साथी आप सभी उत्क्रांति का कर्तव्य। मेरा नाम विजय बोध है और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोगों ने अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर फैमिली रिसर्च, उसका मैं फाउंडर एम्प्लॉइज हूँ और वहाँ पर लाइब्रेरी देखता हूँ। और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी उस जगह पर जो है एक एक्सीडेंटल भत्ते के हाथों जो है संगठन बनाना पड़ा, जिसका नाम रखा हंस दो इंडिया। पीछे बहुत सिंह बरैया जी के साथ जो मैं प्रभारी के तौर किया है और दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मायसेल्फ हेमंत पी आर अम्बेडकर, फुल फॉर्म परशुराम रणधीर अम्बेडकर, जन्म झांसी उत्तर प्रदेश, सर्विस 100 CAG, चंडीगढ़, ग्वालियर, नागपुर और महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। कांशीराम जी के साथ 1977 जब मैं चंडीगढ़ में था तब संपर्क में आया और तब से आज तक उस मिशन से जुड़ा। इस समय मैंने जलगांव में महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग नाम के यूनिवर्सिटी टाइप की संस्था को जन्म दिया, जिसमें 2 फैकल्टी सिखाई जाती है जो इंडिया में कहीं नहीं सिखाई जाती। पहले जाति शास्त्र विद्या विभाग, फैकल्टी ऑफ कल्चर ऑफ द कास्ट, और दूसरा इसका इलाज फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, और थर्ड एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ अशोका द ग्रेट जॉन द ग्रेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सभी को मेरा जय भीम। मेरा नाम नाहर सिंह है और मैं आगरा से हूँ उत्तर प्रदेश से। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एक कर्मचारी हूँ, विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और 2002 से सामाजिक कामों में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो प्रारंभिक तौर से बामन वैष्णव जी की जो वांग्मयिक है उसमें काम शुरू किया था उसको समझने के लिए। समझने के बाद जब मैं उसको थोड़ा बहुत समझ पाया तो मैंने उसको छोड़ा
और आगरा स्तर पर एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया। तो आगरा में आज से 2.5 साल पहले जैसे आज सुधीर जी ने और आरवी सिंह साहब परिवारियों ने आज ये कार्यक्रम किया, मैंने 2 साल पहले आगरा में ये काम किया था और उन लोगों के साथ मिलकर के विशेष जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ वो पीआर अम्बेडकर साहब का हुआ। आज इनकी विचारधारा था, मैं प्रबुद्ध भारत की कल्पना करता हूँ, एक उस पर और एक मान्यवर काशीराम महानायक काशीराम साहब ने कहा था, मैं सम्राट अशोक, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत होगा, उसी परिकल्पना पर अपना काम कर रहा हूँ और सतत करता रहूंगा। बाकी जो सदन तय करेगा, अगर सामाजिक आंदोलन के लिए किसी प्रकार की कोई भी स्टेप उठाता है तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए तैयार हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। साधु, मैं हिम्मत सिंह दिल्ली से ही हूँ और इससे पीछे से तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और 91 से राजनीति सामाजिक जब स्टूडेंट था तब से और अब तक इसी काम में लगा हुआ हूँ। शुरुआत हुई थी मार्क्सिस्ट फिलोसफी से और अभी पूरे बहुजन फिलोसफी पे काम कर रहे हैं, पूरे मतलब राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, जो भी आप कह सकते हैं उसको। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सामने सवाल हैं वो कम से कम एक एजेंडे के रूप में यहाँ से निकले और इसी की उम्मीद के साथ और साधुवाद मैं आप लोगों को करता हूँ कि एक बड़ा कोई वेंचर यहाँ शुरू हो सकता है तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं केविन योगी, मैं ऐसे दिल्ली से हूँ और पिछले 40 सालों से मजदूर वर्ग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, विभिन्न कैपेसिटी पर मैंने काम किया और हिंदू पाक और कोई इंटरनेशनल कमेटियों में मैंने शिरकत करते रहा हूँ। समझते हैं कि एक बहुजन विकल्प की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि अभी एक राजनीतिक एक डेमोक्रेसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह। मैं बीडी बोलकर हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत 1970 से काम कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 5 साल, बोलने वासी संघ का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ 2 साल और अभी 2 साल पहले एक पार्टी बनाई पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम बीपी सिंह है, मैं लॉ स्टेट एक्टिविस्ट हूँ और अभी हम PS4 अभियान पे काम। जय भीम जगन्नाथ, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ में कार्यरत हूँ। सभी को जय भीम, मैं धमेंद्र सिंह बुलंदशहर से, हम लोगों की एक संस्था है टैक्सी जो अभी नई है, 1 साल पहले बनी है। 1 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम बुलंदशहर में किया था साथियों, सभी को जय भीम। मेरा नाम महेश चंद्रा है और मैं झांसी बुंदेलखंड से चलकर आया हूँ बड़े भाई सुधीर जी के आह्वान पर, और मेरे संगठन का नाम भारतीय बहुजन संगठन है जो शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता है। जय भीम। जय भीम साथियों, मेरा नाम विराज कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ, धन्यवाद। मैं सर आशीष जिंदुरिया, रिटायर्ड 15 इयर्स बैक फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आईएमडी और अभी मैं RSVS से एक संस्था है हमारे राष्ट्रीय समन्वय विकास संघ और मैं आपके लिए आपके आकाशवाणी दूरदर्शन के हमारे एसोसिएशन जो है बैठे बैठे देखते उससे भी लगा हूँ और अभी मैं समझो कि अब मैं उससे सीख रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। All of you, good morning. I am Franklin Chester Thomas, activist. I am pleased to present my sincere thanks to Mr. R.V. Singh for calling me. Thank you. I am from Delhi. I am an activist. Along with that, also you are serving somewhere or doing some profession, please tell.
Because I don't believe in individual appointment. Let me be very plain. Because as he said, it will take long time. If you could give me afterwards 2-3 minutes, I will talk about an issue which we have to collectively do. Thank you. Thank you. मैं लगभग 35 वर्ष आप एक आम आदमी के रूप में टारगेटी प्रेम क्या बोलने वासी उसका जयवीम नमो बुद्धाय के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम विनोद निगम है। मेरा नाम कार्यरत रक्षा मंत्रालय हूँ।